हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइजेस 2 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.11। यहाँ है अ 600 पिको फेरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। सबसे पहले एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 600 पिको फेरेड है, उसको चार्ज किया जाता है 200 वोल्ट सप्लाई से, फिर उसके बाद सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, मींस वो चार्ज हो जाता है कंप्लीटली, तो उसे हटा देते हैं सप्लाई को। इसके बाद एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फेरेड। इसके बाद फिर हम एक अनचार्ज कैपेसिटर लेते हैं उतने ही कैपेसिटेंस का, मींस 600 पिको फेरेड कैपेसिटेंस का, फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई की जगह। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। देखिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला केस है ये, क्योंकि दो कंडक्टर हैं यहाँ पे। पहले एक था कैपेसिटर वन जिसका 600 पिको फेरेड कैपेसिटेंस था, फिर एक और अनचार्ज था हमारे पास, फिर उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। मींस स्टार्ट में हमारे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है और एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, ठीक है। पहली सिचुएशन ये है, सेकंड सिचुएशन क्या है, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, मींस चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला ये केस है, हमने इसका डेरिवेशन किया था। वीडियो नहीं देखा आपने तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और आई बटन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां लॉस्ट इन एनर्जी होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जब भी होते हैं तो लॉस्ट इन एनर्जी होता है, लॉस्ट ऑफ एनर्जी होता है। तो वो एनर्जी कितनी होती है, उसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। अगर मल्टी चॉइस में आता है ये क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे, उस डायरेक्ट फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप इसको अल्टरनेट मेथड से करना चाहते हैं, जैसा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस वाला जो केस था उसमें हमने कंप्लीट डेरिवेशन किया था, बिल्कुल उसी के तरह करना चाहते हैं, तो वो मेथड टू में हम इसे देखेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड वन की, जिससे मेथड वन से इसे कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट मेथड से, ठीक है। शॉर्ट मेथड होगा ये, और डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। पहले समझ लेते हैं सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ये कैपेसिटर है, 600 पिको फेरेड इसका कैपेसिटेंस है, ओके। इसको अब हम चार्ज करते हैं एक बैटरी से, एक बैटरी लगा देते हैं अक्रॉस द एंड ऑफ द कैपेसिटर, और उसका वोल्टेज कितना है बैटरी का, 200 वोल्ट। सपोज ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ये नेगेटिव एंड है बैटरी का। तो एक बात बताइए, जब इसको कनेक्ट करेंगे हम तो कनेक्ट करते ही ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा थोड़े बहुत टाइम में, ठीक है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता ही है, तो ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल पर, और ये कॉमन पोटेंशियल पे हो जाएंगे। इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बात चार्ज हो जाएगा ये, और क्या है हमारे पास, एक और चीज़ है हमारे पास, क्या है एक और चीज़, एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर भी है हमारे पास ऑलरेडी, है ना। इसे भी लेके चलते हैं, एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर भी है हमारे पास जिसका कैपेसिटेंस भी 600 पिको फेरेड है। ये कैसा है, अनचार्ज्ड है, ठीक है। बात अनचार्ज्ड है, तो ये दो चीजें हैं हमारे पास, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको चार्ज कर लिया, तो यहां हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, C1 है हमारे पास और C2 है हमारे पास, ठीक है। बात V1 है हमारे पास 200 वोल्ट, लेकिन V2 नहीं है हमारे पास, जो कि क्या है, 0 वोल्ट। क्लियर है बात। यहां हम वो जो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए लॉस्ट इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू लॉस्ट इन एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है बात। ये दोनों ही सिचुएशन है, ओके। यहां वैल्यूज रख देते हैं, सबसे पहले C1 कितना है, 600 पिको फेरेड, 1/2 C1 कितना लगाएंगे, 600 पिको फेरेड है, तो पिको की जगह 10^-12 यूज कर लेंगे, ठीक है बात। तो 600 × 10^-12, ओके। C2 कितना है, वो भी 600 पिको फेरेड है, उसको भी पिको फेरेड को चेंज कर लेंगे सिंपल फेरेड में चेंज कर लिया है, ये पिको को हटा दिया यहां से, वो बात कही थी मैंने, ठीक है। 10^-12, C1 C2 दोनों वैल्यूज हो गई, ये C2 हो जाएगा 600 पिको फेरेड है, पिको की जगह 10^-12 हमने यूज कर लिया है, C1 C2 दोनों ही वैल्यूज पुट हो गई। V1 - V2 V1 कितना है, 200 वोल्ट, ठीक है बात। V2 कितना है, जीरो है, सेकंड V2 जीरो है, इसका फिर स्क्वायर, ओके, अपॉन दिस V1 - V2 अपॉन C1 + C2, कंप्लीट
कर दो या कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C1 प्लस C2 600 पिकोफेरेड प्लस 600 पिकोफेरेड, ठीक है, दोनों ही कितने हैं 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, दोनों ही पिको में थे तो चेंज कर लिए 10 टू पावर माइनस 12 से। ये कितना हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके एक को हटा देते हैं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है बात। चलिए और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 टू पावर माइनस 12, ये 600, ये 600 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 300 हो जाएगा ये, ओके। अच्छा ये 200 माइनस 0 है तो ये 200 हो जाएगा कंप्लीट, और उसका फिर स्क्वायर है तो 200 मल्टीप्लाई बाई 200 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को यहाँ से मैं रिमूव करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है बात। फिर इस 2 से कैंसिल कर लेंगे, इसे 100 टाइम्स हो जाएगा ये कैंसिल, क्लियर है बात। तो यहाँ वैल्यूज कैसे आएंगी अब निकल के देखिए, ये 3 2 जा 6, 6 1 2 3 4 5 6, 6 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 12, नीचे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, ये 6 जीरो और हैं तो इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर 6, बाकी की जीरोज में यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 प्लस 6, कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 6, ओके। सो दिस इज द लॉस्ट इन एनर्जी इन जूल, ठीक है, जूल में ये इसकी वैल्यू होगी, तो इतना एनर्जी लॉस होगा, क्लियर है बात। तो ये तो है शॉर्ट मेथड जो कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इसे निकाल लेंगे। अब अल्टरनेट मेथड देखते हैं कि अल्टरनेट मेथड से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है, यही वैल्यूज आएगी फिर अल्टरनेट मेथड 2 में। जैसे हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस समझा था बिल्कुल वैसे ही समझेंगे इसे कंप्लीट, ओके। कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पहले हम इसके एग्जांपल कर सकते हैं, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल था, आप देख लेंगे कौन सा एग्जांपल था, एनसीईआरटी एग्जांपल में देखेंगे, ये टाइप का क्वेश्चन था बिल्कुल, बस वहाँ पे वैल्यूज चेंज हैं, जो कैपेसिटेंस गिवन है ये चेंज है यहाँ पे, है ना। तो अब देखते हैं मैथड नंबर 2, ओके, ये थोड़ा सा लेंथी है या फिर अल्टरनेट मैथड कह सकते हैं हम इसको, ओके। चलिए अल्टरनेट मैथड में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है ये सिचुएशन, क्लियर है बात, सिचुएशन फर्स्ट है ये, बिफोर कनेक्शन, इन दोनों को क्या नहीं किया गया, कनेक्ट नहीं किया गया, उससे पहले की बात है ये, कौन सी बात है ये, बिफोर कनेक्शन, ये बिफोर कनेक्शन सिचुएशन है कंप्लीट यहां तक, ओके, यहां तक जो सिचुएशन है ये बिफोर कनेक्शन है। अब ये होगा क्या, एक्चुअली फर्स्ट केस में ही क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा और ये इस स्टेज में आ जाएगा चार्ज होके, इसके पास एक चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, इसके पास माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, बिफोर कनेक्शन में ही बात कर रहे हैं। कितना था इसका 600 पिको फेरेड इसका क्या था, कैपेसिटेंस था, तो जब ये चार्ज हो जाएगा तो किस पोटेंशियल तक ये चार्ज हुआ, 200 पोटेंशियल, 200 वोल्ट पोटेंशियल तक ही तो ये चार्ज होगा, ठीक है, तो इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल होगा वो 200 वोल्ट होगा, क्योंकि जब चार्ज हो जाते हैं तो कॉमन पोटेंशियल हो जाता है कि ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, ये सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट है, ठीक है बात। तो ये है सिचुएशन, अभी पहली सिचुएशन में देखा था वहां पर भी 200 वोल्ट था V1 की जो वैल्यू थी, ठीक है, क्लियर है। तो ये बिफोर कनेक्शन की ही बात कर रहे हैं। अब क्या किया हमने, इसे हटा दिया बैटरी को, इस बैटरी को हटा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे यही है कैपेसिटर हमारा जो कि चार्ज्ड है, किस पोटेंशियल तक चार्ज है, ये 200 वोल्ट तक चार्ज है। अब इसको इसके साथ एक और कनेक्ट कर देते हैं, क्या ये कनेक्ट कर देते हैं C2, ओके, C2 कनेक्ट कर देते हैं हम यहां पर, इसका भी कितना है, इसका है 600 पिको फेरेड, इसका भी कितना है 600 पिको फेरेड, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है। अब इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो कॉमन पोटेंशियल होगा, सपोज V है, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, चार्ज का फ्लो होगा, जिसका हाई होगा पोटेंशियल उससे जाएगा लो पोटेंशियल वाले में, और दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। देखिए पहली बात तो ये है कि दोनों का 600 क्या है, कैपेसिटेंस है, इसका 200 वोल्ट तक ये चार्ज हो गया था, तो कॉमन पोटेंशियल सिंपल सी बात है कि 100 वोल्ट ही होगा, दो जगह डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, यहां से चार्ज आएगा इसके पास जाएगा, तो 100 100 200 तो कंप्लीट था ही, और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 100 100 वोल्ट, इनका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा,
जाएगा, लेकिन अभी हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि कॉमन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये है आफ्टर कनेक्शन की सिचुएशन, आफ्टर कनेक्शन, ठीक है बात। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में दो सिचुएशन थी, एक बिफोर कनेक्शन और एक आफ्टर कनेक्शन, ठीक है बात। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाली आप वीडियोस भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी, पहली सिचुएशन में जब इनको कनेक्ट नहीं किया गया है, दोनों को, दोनों ही कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया गया, उस कंडीशन में एनर्जी देखेंगे सबसे पहले हम, ओके। तो सिचुएशन वन में देखते हैं, बिफोर कनेक्शन बात करते हैं, बिफोर कनेक्शन एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, यू वन प्लस यू टू, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। U1 कैसे निकालते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, क्लियर है बात। हाफ C1 कितना है, कैपेसिटेंस 600 पिको फेरेड, तो 600 पिको को चेंज कर देंगे, माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू V1 वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट और उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ C2, C2 कितना है 600 into 10 to power minus 12, V2 पोटेंशियल कितना है इसका, जीरो है, यहां जीरो का स्क्वायर, तो ये तो पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, इसे हटा देते हैं यहां से, ठीक है बात। तो U इनिशियल कह देते हैं इसको, बिफोर कनेक्शन इनिशियल एनर्जी कितनी होगी टोटल सिस्टम की, ये होगी 2 से ये 300 टाइम्स हो जाएगा, ये 200 मल्टीप्लाई बाई 200 टू टाइम्स हो जाएगा, ये ब्रैकेट को मैंने यहां से रिमूव कर दिया। बाकी की चीज़ें देखें तो 3 टू जा 6 टू जा 12, 12 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 10 टू पावर 6 और ये 10 टू पावर माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। तो बिफोर कनेक्शन जो सिस्टम की एनर्जी है वो है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल, यू आई इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब इनको कनेक्ट नहीं किया गया है, जो दोनों चीजें थी हमारे पास उस कंडीशन में, ठीक है बात। अब देखते हैं आफ्टर कनेक्शन कितनी होगी एनर्जी, ठीक है, आफ्टर कनेक्शन एनर्जी, यू फाइनल एनर्जी की बात कर लेते हैं, फिर इनका हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो आफ्टर कनेक्शन हाफ फिर से C1 V1 स्क्वायर कितना, देखिए दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा V होगी इसकी वैल्यू, तो हाफ C V स्क्वायर होती है एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर, हाफ सी वी स्क्वायर होती, तो सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू, दिस इज सी टू, इसका पोटेंशियल कितना है V है, सेम पोटेंशियल पर है, सी टू वी स्क्वायर कितनी हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा इसमें कुछ, हाफ सी वन प्लस सी टू और V स्क्वायर, ये हो जाएगी फाइनल एनर्जी, वैल्यूज को रख देते हैं। और एक चीज देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर होती है ना, तो ये सी इक्विवेलेंट हो गया, सीक्वेंट कैसे हो गया, दोनों ही पैरेलल वाला केस है, तो पैरेलल में कैसे कैपेसिटेंस ऐड होते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज कॉमन वोल्टेज है, वैसे भी आप बात देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है बात। तो हाफ सी वी स्क्वायर वही चीज है ये, अब वैल्यूज रख देते हैं, तो उसमें हाफ C1 C2 कितना है, दोनों ही 600 600 है, तो कितना हो जाएगा 2 into 600 पिको फेरेड, तो पिको को चेंज कर लेंगे 10 टू पावर माइनस 12 में, ठीक है, दोनों सेम थे तो मैंने ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है 600 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इतना पिको फेरेड मल्टीप्लाई बाय V कॉमन पोटेंशियल। अब हमें जरूरत पड़ेगी कॉमन पोटेंशियल V की, वो मैंने बताया था 100 वोल्ट, क्योंकि इसका 200 वोल्ट था, इसका कोई वोल्ट नहीं था, तो दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल हुआ चार्ज फ्लो होने के बाद 100 वोल्ट हो गया था, मैंने बताया था। लेकिन हम एक और तरीका है कैलकुलेट करने का कॉमन पोटेंशियल, कैसे कैलकुलेट करते हैं, V इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला होता है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाली हमने डेरिवेशन की थी तब भी हमने ये पढ़ा था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज या तो बिफोर कनेक्शन पता हो आपको या फिर आफ्टर कनेक्शन आपको पता हो टोटल चार्ज कितना है कनेक्ट पूरे सिस्टम में। तो बिफोर कनेक्शन देखें, दो फॉर्मूले थे याद कर लो इसको, क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये था क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश अपॉन सी वन प्लस सी टू, क्यू वन प्लस क्यू टू ये क्यू वन ये क्यू टू, बिफोर कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन ये क्यू वन डैश और ये इसका क्यू टू डैश, कुछ भी पता हो आपको, बिफोर कनेक्शन आपको चार्जेस पता है, कैसे निकालेंगे बिफोर कनेक्शन चार्जेस वही देख लेते हैं। चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू सी इन टू वी फॉर्मूला था, सी इक्वल्स टू क्यू अपन वी होता है, तो क्यू वन कितना हो जाएगा, क्यू वन सी
वन इंटू वी वन, ठीक है बात। क्यू वन कितना हो जाएगा सी वन और वी वन, क्लियर है। क्यू टू कितना हो जाएगा सी टू वी टू, वी टू तो जीरो है ही, तो क्यू टू तो कितना होगा जीरो था, कोई चार्ज था ही नहीं क्योंकि इसका कोई पोटेंशियल था ही नहीं। तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। और दो फॉर्मूले और होते हैं, सिंगल सिंगल का भी निकाल लो, सिंगल का चार्ज अपॉन सिंगल का कैपेसिटेंस, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल, तो हम इसी से निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा चार्ज C1 V1, ठीक है। C1 कितना है 600 पिकोफेरेड, मीन्स 10 to power -12। Q1 हो जाएगा कितना C1 V1 600 पिकोफेरेड है और वोल्टेज कितनी है 200 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन प्लस Q2, Q2 तो जीरो है ही, प्लस करके जीरो लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बात। C1 plus C2 कितना है 600 पिकोफेरेड ये है, 600 पिकोफेरेड ये है, तो कितना हो जाएगा 2 into 600 पिकोफेरेड में 10 to power -12, ठीक है बात। अब कैंसिल कर लो कुछ टर्म्स को, 600 10 to power -12 और 2 से ये 100 टाइम्स, ये तो जीरो हटी जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो V कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया, वही मैंने बताया था आपको, कितना आ गया 100 वोल्ट, ठीक है, वही मैंने पहले आपको बताया था कि कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया दोनों का 100 वोल्ट हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है सेम है, तो वो सेम पोटेंशियल तक ही दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो V कितना आया 100 वोल्ट आया, तो यहाँ हम V की ही हमें ज़रूरत थी, तो यहाँ हम 100 वोल्ट लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी 6 1 2 3 4, ओके, इसका स्क्वायर भी है साथ में 100 वोल्ट और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, इसका स्क्वायर होगा तो 40 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, तो 6 into 10 to power 6 तो 0 ये हो गए और 10 to power -12 साथ में ये हो जाएगा, तो फिर से UF जो आएगा वो आएगा 6 into 10 to power -6 जूल, ठीक है। तो आफ्टर कनेक्शन जो सिचुएशन है, सेकेंड सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो ये होगी UF, ठीक है। तो UF को मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, UF कितनी है 6 into 10 to power -6 जूल। अब आप यहाँ पे सिंपल वे में लॉस्ट इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो डेल्टा U कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा U इक्वल्स टू वॉट UI - UF कर लेते हैं, ठीक है बात। लॉस्ट इन एनर्जी होगा, इनिशियल ज़्यादा है फाइनल कम है, UI कितनी है 12 into 10 to power -6 माइनस फाइनल कितनी है 6 into 10 to power -6, तो कितनी होगी लॉस्ट इन एनर्जी, फिर से वही हो जाएगी 6 into 10 to power -6, कॉमन लेके 2 - 1 तो 6 into 10 to power -6, दिस इज लॉस्ट इन एनर्जी बाय अल्टरनेटिव मेथड जूल, ओके। और यही एनर्जी हमने जो फर्स्ट मेथड में जिसमें देखा था, कौन सा था वो, शॉर्ट मेथड था, उसमें भी वैल्यू यही आई थी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, यहाँ नोट किया था वो लेकिन हट गया है। तो यही है आंसर बाय मेथड 2, ओके। तो ये होगी वैल्यू लॉस्ट इन एनर्जी, और ये लॉस्ट इन एनर्जी क्यों होती है ना, एनर्जी का लॉस क्यों होता है, क्योंकि जब वायर के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, और हीट, क्योंकि इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है वायर का, उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी की फॉर्म में ये लॉस हो जाती है, H = I²RT, है ना, P = W/T होता है ना, ओके। तो W = P×T हो जाएगा, P कितना होता है I²RT, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, तो रेजिस्टेंस है इस वायर का अपना कुछ, तो हीट लॉस जो होती है H = I²×T, आई करंट फ्लो होगा इसमें तो हीट का लॉस होगा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में तो ये एनर्जी लॉस्ट होती है, ठीक है, हाफ एनर्जी लॉस्ट हो गई, इनिशियल इतनी थी फाइनल इतनी रह गई, कहाँ गई कितनी 6 into 10 to power -6 जूल कहाँ गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में ये स्प्रेड हो गई, रेडिएट हो गई चारों तरफ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है किसी भी वायर के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में भी हीट का लॉस्ट होगा, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है बात। तो ये इसका सॉल्यूशन था, थैंक यू।